गाइस कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों 2024 में घर बैठे अपने मोबाइल से शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने का दोस्तों हम यहाँ पर टाइप करेंगे SBM। उसका दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पे लिख के आ चुका स्वच्छ भारत मिशन, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसका दोस्तों हम भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। गाइस थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हम यहाँ पे। उसका दोस्तों शौचालय के लिए अप्लाई करने के लिए ये वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पे जैसा ओपन होगा गाइस सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर। उसका दोस्तों अपना नाम डालना है यहाँ पर। उसका दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। यहाँ पर दोस्तों अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। उसका दोस्तों अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड डालेंगे। ये सब सारी डिटेल्स डालने का दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा गाइस। आपको आपकी लॉगिन आईडी, आपको मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर डालेंगे। गेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आने के बाद OTP यहाँ पर डाल देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा गाइस। यहाँ पे आपको एक इंटरफेस ओपन होगा गाइस। जैसे इस नंबर से मैंने पहले से एक एप्लीकेशन अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों नई एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए तो गाइस 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर लिखा न्यू एप्लीकेशन, नया शौचालय आवेदन करने के लिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। उसका दोस्तों नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा गाइस। न्यू एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों अपना ग्राम पंचायत, यहाँ पर दोस्तों विलेज नाम, यहाँ पर दोस्तों अपना विलेज का नाम डालेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड पर नाम, जो भी आपका आधार कार्ड है उसका दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसका दोस्तों अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद दोस्तों आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर दोस्तों अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम डालेंगे जिसके नाम से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, APL या BPL। उसका दोस्तों सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम। उसका दोस्तों हम कार्ड टाइप में यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसका दोस्तों आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपना एड्रेस फिलअप करेंगे सही सही। उसका दोस्तों यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स डालनी है, तो बैंक की डिटेल्स में सबसे पहले अपना IFC कोड डालेंगे। उसका दोस्तों IFC कोड डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों बैंक का नाम डालेंगे। उसका दोस्तों ब्रांच का नाम, आपका ब्रांच कहाँ पे। उसका दोस्तों ब्रांच का एड्रेस। तो उसका दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर हम। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे अपना ब्रांच का स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस ब्रांच में आपकी। उसका दोस्तों ब्रांच डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। फिर से दोस्तों अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक आपको एक 2 कॉपी डालना बैंक किताब का। उसका दोस्तों सारी डिटेल्स डालने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही ऑनलाइन अपडेट जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।